हेलो दोस्तों तो आज हम करने वाले हैं बेयरिंग के बारे में देखिए बेयरिंग के बारे में जो टाइप्स हैं बेयरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे आज अब हम स्टार्ट करते हैं इसका टेक्निकल पार्ट ओके टेक्निकल पार्ट में हमारे पास क्या है कि बेयरिंग क्या होता है और कहां पे लगता है हमें ये देखना पड़ेगा तो हमारे पास देखिए बेयरिंग आपने और ऑब्वियसली किसी ने कहीं कहीं, कहीं ना कहीं ये जरूर देखा होगा इस तरह का और ये बहुत ही खूबसूरत चीज जो मैकेनिकल में हर जगह यूज होती है ओके okay, आप देखोगे कि भाई शाफ्ट हमें चाहिए क्या पावर ट्रांसमिशन मोटर यहां पे है हमारे पास मशीन यहां पे है मोटर ने जब घुमाना है शाफ्ट को अब शाफ्ट घूमेगी उसको घूमने के लिए साथ में स्पोर्ट चाहिए कहीं ना कहीं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेरिंग लगाना पड़ता है कहीं पे भी हमें रोटेशन देनी है वहां पे शाफ्ट की रोटेशन को देने के लिए हमें बेयरिंग लगाना पड़ता है देखो मेरे भाई मैं सिंपल सी बात बताता हूं अगर बेयरिंग नहीं लगाओगे तो हो क्या जाएगा कुछ लोगों का यह मानना हो कि क्या हो जाएगा आप किसी चीज को शाफ्ट को रोटेशन देना चाहते हो बिना बेयरिंग आप घुमा के देखो इसको तो इतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी इतनी ज्यादा हीट होगी कि वहीं का वहीं वो खराब हो जाएगा इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां पे बेयरिंग लगा देते हैं आउटर पार्ट जो होता है इसका आउटर पार्ट है वो स्टील है

दो होते हैं इसमें और साथ में होता है एंगुलर कॉन्टेक्ट और थ्रस्ट बेरिंग ओके ये धीरे धीरे सारा समझा दूंगा आपको रोलर बेरिंग में टेपर्ड रोलर बेरिंग स्फेरिकल रोलर बेरिंग और सफेरिक आगे है सिलेंड्रिकल और नीडल रोलर बेरिंग है अब देखते हैं हमारे पास इसमें टाइप्स कौन सी अब ये है हमारे पास देखिए डीप ग्रूव डीप ग्रूव का मतलब डीप मतलब गहरा ग्रूव मतलब उसका एक होल बनाना है ना ग्रूव बनाना ये ग्रूव है इसके अंदर ये देखो अंदर बॉल्स जो हैं वो रोटेट कर रही हैं तो बॉल्स के ऊपर सारा का सारा लोड आ रहा है और ये हमारे पास जो होता है ये वाला बाहर वाला पार्ट देख रहे हो ये वाला इसको हम केज बोलते हैं केज तो ये हमारे पास क्या है इसको बॉल्स को पकड़ के रखता है अपनी जगह पे नहीं तो बॉल्स तो आपस में कहीं भी अटैच हो जाएंगी ना तो इसको हमें क्या करना पड़ता है अलग अलग रखना पड़ता है अब देखिए ये हमारे पास बॉल्स यूज किए तो इसका नाम बॉल बेयरिंग रख दिया ठीक है यहां पे था बॉल बेरिंग अब यहां पे अगर हम रोलर यूज कर लें तो रोलर यूज करने के लिए हमें इस तरह से ये देखिए रोलर यूज किए हुए तो उसको हम रोलर बेयरिंग बोल देंगे ठीक है मैंने इसलिए पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया था अब देखिए दोबारा एक बार और आगे अब इसमें बॉल बेरिंग में क्या था डीप और सेल्फ अलाइनिंग डीप ग्रुव जो है वो इसी तरह का ये डीप ग्रू ये हम देख चुके हैं नेक्स्ट हमारे पास है कि सेल्फ अलाइनिंग का ये देखिए सेल्फ अलाइनिंग का ये देखिए ये इसमें सेल्फ अलाइनिंग में क्या होता है कि हमारे पास जो अंदर वाला पार्ट है वो रोटेट कर सकता है उसके कारण क्या है कि हमारे पास जो शाफ्ट है अगर वो एग्जैक्ट हमारा अलाइन नहीं है अगर अलाइनमेंट हिली इधर उधर हो गया तो हमारा ये बॉल बेरिंग का इनसाइड वाला जो पार्ट है वो भी इधर उधर हो जाएगा मतलब हमें प्रॉब्लम नहीं है अपने आप इसने अलाइनमेंट सेट कर लेनी है वो उसकी वो ऑब्वियसली लिमिट रखी होती है कि इतना हमारा हिल सकता है वो ठीक है तो हमारे पास क्या है मूवमेंट उसकी मूवमेंट है हमारे पास उस मूवमेंट के हिसाब से हम इसको सेल्फ अलाइनिंग बेरिंग बोलते हैं ओके okay, में ये देखिए मूवमेंट जो है ये देखिए बॉल्स की यहां पे देखिए ये बॉल्स की मूवमेंट जो है वो किस तरह से होती है यहां पे अच्छा आपको पता लग जाएगा तो ये सेल्फ अलाइनिंग है अपने आप अलाइन होता है जहां पे भी शाफ्ट इधर मूव करेगी तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी ओके नेक्स्ट देखिए हमारे पास अब ये समझना बड़ा ही मेन पार्ट देखिए दो तरह के लोड होते हैं शाफ्ट के ऊपर दो तरह के लोड होते हैं पहला होता है रेडियल लोड देखिए रेडियल मतलब मैं एक और मैंने तो बहुत टाइम बाद ये वर्ड समझ आया था ठीक है हिंदी मीडियम से आए थे तो मुझे बड़ा टाइम बाद मतलब समझ आया था इंजीनियरिंग के मुझे लगता है ढाई साल लग गए होंगे तब जाके मतलब समझ आया कि रेडियल क्या होता है ठीक है आपको कितने साल लगे थे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, देखते हैं कितने साल आपको भी मेरे जितने लगे कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो कि आपको एक महीने में पता लग गया मुझे ये पता लगा कि जो रेडियस के साथ देखिए रेडियस है रेडियस इस तरह से रेडियस के साथ अंदर एंटर कर रहा है देखो तो इसको हम रेडियल बोलेंगे जो भी रेडियस के साथ होता है रेडियल होता है रेडियल लोड इस तरह से जो भी मशीन का हैवी वेट है कोई चीज ऊपर पुली है वो लोड वो सारा लोड इस तरह से पड़ता है उसको हम रेडियल लोड बोलते हैं अब आप बोलो कि इसकी कोई एग्जाम्पल बहुत सारी होती है लेकिन एक तरीके से आपको समझाना चाहूंगा ऊपर से लोड किस तरह से पड़ता है ये देखो ऊपर से इस तरह का लोड पड़ता है ये हमारा रेडियल लोड ऊपर से आया ठा ठीक है ये रेडियल लोड है बात समझ आई तो रेडियल लोड आप चाहे इस तरह से समझ लो चाहे इस तरह से समझ लो बेचारे शाफ्ट का ये हाल होता है ठीक है ये शाफ्ट का ये हाल होता है अब देखते हैं दूसरा एक्सियल लोड एक्सियल लोड जो होता है वो हमारी शाफ्ट के इस साइड शाफ्ट को इस साइड धक्का मारता है अब आपको सर ये कैसे लोड पड़ेगा तो भाई कहीं भी भी कुछ भी ऐसा लोड जो एक, एक्सियलली अटैक कर रहा हो ये कई बार इवन ये भी हो सकता है कि हमारे पास देखिए हेलिकल गियर लगे हैं यहां पे हेलिकल गियर लगे हैं आ, हमारे पास एंगल पे हैं वो जब चलते हैं ना तो एक एक्सियल थ्रस्ट भी पैदा करते हैं और इस चीज को हम थ्रस्ट बेयरिंग भी बोलते हैं दो थ्रस्ट को सहन करें थ्रस्ट वर्ड आपने आगे से याद रखना है एक्सियल लोड के लिए होता है बात समझ आई एक्सियल के लिए थ्रस्ट नाम यूज किया गया है और कुछ नहीं है बात समझ आई थ्रस्ट बेरिंग लेकिन ये थ्रस्ट में आप कहोगे सर उसमें तो एग्जांपल दे दी कि एक्सियल लोड इधर है तो हमारे पास जो रेडियल लोड इधर है तो एक्सियल लोड किस साइड है तो एक्सियल लोड हमारा देखा जाए तो ये आ गया भाई एक्सियल भी आ गया लोड कहता भाई मैं इधर से मारूंगा ये देख तूने कहां से मारा था तूने ऊपर से मैं इधर से एक्सियल लोड मारूंगा तो वो रेडियल ये एक्सियल एग्जाम्पल पसंद आई भाई जान लग गई इसको में बनाने में मेरी इस चीज को ढूंढना उसका फाइल बनाना बहुत टाइम लग गया था मुझे बनाने में ओके तो ये एक्सियल लोड लग रहा है ठीक है रेडियल कौन सा था ये था रेडियल ठीक है ऊपर से आप आ रहा है इस तरह से शाफ्ट के ये शाफ्ट है उसके 90 डिग्री पे ये शाफ्ट है उसके 90 डिग्री पे और मेरा एक्सियल क्या है एक्सियल है मेरे पास यहां पे ये यह देखो एक्सियल है ये शाफ्ट के पैरलर इस तरह से लोड लगा अगर मेरी शाफ्ट है ऐसे हो जाए और ये लोड इस तरह से पड़े तो भी ये एक्सियल ही कहलाएगा क्योंकि शाफ्ट के पैरलर लग रहा है इसको थ्रस्ट बेरिंग भी बोल देते हैं लेकिन हम इसको किस करेंगे किस तरह से वो भी हम समझेंगे धीरे धीरे सारी चीजें समझेंगे ये भी एक्सियल लोड लगा रहा है ठीक है इस तरह थोड़ा सा माइंड में बैठाने के लिए मैंने आपको आइडिया दिया देखिए हमारे पास इस चीज को आप मैंने जैसे आपको बोल दिया कि एक्सियल लोड जो रेडियल लोड था उसको सहन करने के लिए बड़ा इजी था जो भी बॉल बेरिंग सिंपल से ले लोगे वो इजी हो जाता उसमें लेकिन हमारे पास जो एक्सियल है थ्रस्ट है उसको सहन करने के लिए क्या करें मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं आपको उससे शायद आपको समझ आ जाए ठीक है ये देखो ये इसने इस तरह शील्ड इस तरह से एंगल से क्यों पकड़ी है बताए क्योंकि हमारे पास देखो अगर ऊपर से कोई लोड आता तो हम ऐसे पकड़ दे ठीक है इस तरह से पकड़ दे इधर से कोई आ रहा हो ठीक है इधर से आ रहा हो और मतलब इधर से आ रहा हो सीधा तो हम ऐसे पकड़ लेते बीच में कहीं से लोड आ रहा है तो हम क्या करेंगे शील्ड को ऐसे पकड़ लेंगे बीच में इस एंगल से आ रहा है देखो इस एंगल से आ रहा है बीच तो में से तो ये बंदा एक्सियल लोड भी लगा रहा है रेडियल भी लगा रहा है बात समझ आई हमने क्या करना है इस तरफ से जो फोर्स आ रहा है उसको रोकना है उसको रोकने के लिए हमने क्या किया रेस बोल देते हैं इनर रेस आउटर रेस बोल देते हैं ये देखो ये हमारे पास जो है ना ये एंगल बना दिया एंगल मेन है इसके कारण क्या होगा कि बॉल्स जो अब सहन कर सकती हैं वो एक्सियल लोड भी सहन कर सकती थ्रस्ट भी सहन कर सकती है देखो अब इसको पकड़ने का ये जो एंगल था वो सीधे की बजाय इधर है अब लोड अगर इस एंगल से आया तो ये लोड और ये लोड लोड और आपको देखो बेसिक इंजीनियरिंग का अगर नहीं पता इसके दो कंपोनेंट बनते हैं ये फोर्स के एक इदर, एक इधर इधर वाला क्या आ गया हमारे पास रेडियल और ये क्या आ गया एक्सियल अगर मेरे पास ये वाला सैन करना है तो मुझे थोड़ा सा एंगल चेंज करना पड़ेगा इसका तो प्लीज इसकी फोटो को ध्यान से देखो ये एंगल देखो आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पास यहां पे थ्रस्ट बेयरिंग में क्या डिफरेंस आ जाता है थ्रस्ट बॉल बेरिंग ये होता है बस उसका एंगल चेंज करते हैं पकड़ने का एंगल चेंज कर जिसके उसके ऊपर जो फोर्स पड़ रही है उसको सहन करने की ताकत आ जाती है उसमें ओके तो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दी थी आपको ओके अब देखिए हमारे पास रोलर बेयरिंग भी आ जाती है रोलर बेयरिंग में ये देखो रोलर बेयरिंग यहां पर आगे रोलर बेयरिंग में हमारे पास आता है टेपर्ड रोलर बेयरिंग अब कई जगह पर हमें एंगल पे फोर्स लग रही है जहां पे ठीक है वहां पे भी हमारे पास एंगल में फोर्स लग रही थी उसको सहन करने देखा इसमें कैसे है इसमें पूरा ये जो हमारे पास रोलर है वो थोड़ा लेंथी होता है तो लेंथ होने के कारण हमने क्या किया इसका शेप ही चेंज कर दिया शेप आप कहोगे सर ये कहां पे लगता है टेपर्ड तो, टेपर्ड हमारे पास जो बेरिंग है वो कहां पे लगता है और ये रोलर बेरिंग तो ये कहां से लगता है वो देख लीजिए और ये है देखिए टेपर्ड रोलर बेरिंग ये देखिए यहां पे लगा हुआ है ठीक है ये किस चीज की फोटो है ये तो आपको पता है नहीं बताऊं लिखा तो नहीं होगा नहीं लिखा हुआ आपको पता होगा कि किसकी फोटो है ओके ये देखिए हमारे पास ये टेपड़ है टेपड़ है तो टेपर कभी भी करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा टेपर क्यों करते हैं फोर्स कहां से आ रही है भाई मेरे सीरियसली कहता हूं आपको जिस दिन ये फोर्सेस समझ आ गई सामने से आने वाली फोर्स ऊपर से आने वाली फोर्स और बीच में से आने वाली फोर्स आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर आपको कंपोनेंट नहीं पता फोर्सेस के मैं ऊपर लिंक दे रहा हूं वहां पे आप क्लिक करके देख लेना आपको समझ आ जाएगा कि कंपोनेंट कौन सी बात कर रहे हैं सर ठीक है आई होप कि आपको पता ही होगा ठीक है तो नेक्स्ट देखिए ये होगा टेपर रोलर वेयरिंग के बारे में अब है स्फेरिकल रोलर तो स्फेरिकल में यहां पर देखिए स्पीयर होते हैं यहां पर ही देखिए स्फेरिकल होते हैं ये ठीक है रोलर के बजाय हमारे पास स्फेरिकल है तो इसमें देखिए डबल रो बना रखिए डबल रो बना रखो ये देखिए अब आ गया लास्ट हमारे पास क्या आ गया नीडल रोलर बेयरिंग नीडल रोलर बेयरिंग क्या होते हैं जिसमें हमारे पास जो साइज है उसका लेंथ ही हो जाता है लेंथ बढ़ जाता है और डायमीटर कम हो जाता है इसके कारण हैवी लोड उसको कैरी करने की कैपेसिटी आ जाती है इसमें ओके अब देखिए जो मैंने पूरा ऊपर नहीं बताया वो अब बताता हूं ये सब है ना ये बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं छोटी शाफ्ट के लिए छोटे लोड के लिए बड़े लोड के लिए बड़े लोड के लिए क्या करें टर्बाइन की शाफ्ट चल रही है है ना बड़े बड़े टर्बाइन टर्बाइन कौन सी वो जो मान लीजिए हाइड्रो पावर प्लांट में टर्बाइन चल रही है बड़ी वाली बहुत बड़ी ट्रबाइन उसको इससे चला सकोगे ना भाई ये नहीं चलता उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें उसके लिए हमें जर्नल बेयरिंग यूज करना पड़ता है ये देखिए ये होता है जर्नल बेयरिंग जर्नल नाम क्या है देखिए शाफ्ट जो हमारी यहां से आती है जितना पार्ट उसका अंदर रहता है उसको हम जर्नल बोलते हैं ठीक है उसके नाम उसके कारण इसका नाम पड़ेगा जर्नल ये छोटे मोटे काम के लिए नहीं भाई हाथ हाथी छोटे मोटे काम के लिए बड़े लोड उठाने के लिए आराम से बैठोगे और इसमें आप कहोगे सर इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो इसमें फ्रिक्शन कम करने के लिए यहां क्या होता है होल देखिए यहां पे होल है इसके अंदर लुब्रिकेशन डालते हैं बहुत ज्यादा लुब्रिकेशन डालते हैं और लगातार उसको प्रेशराइज्ड पूरे प्रेशर के साथ लुब्रिकेशन दिया जाता है ओके okay, ये आपको देखने को मिल सकता है इस तरह से देखो बड़ा ट्रबाइन बड़े शाफ्ट वहां पे देखोगे तो वहां पे हमें इन चीजों का यूज देखने को मिल सकता है वहां पे नहीं चलते रोलर रोलर भाई बॉल पुल टूट जाएंगी तेरी बॉल जो घुमा रहा था ना भाई ये देखो मैंने ये कर दिया रोलर वेयरिंग लगा दिया मैंने बॉल बेयरिंग टूट जाती है सारी वहां पर यह चलते हैं भाई सब जनरल वेयरिंग चलते हैं ये देखो ये देखो इतनी बड़ी शाफ्ट है इसके अंदर जो होगा वो जर्नल बेयरिंग हम यूज़ करेंगे वो ऑब्वियसली मैंने ऊपर आपको नहीं बताया था मैंने सोचा अलग से एक टाइप है वो भी एक्सप्लेन कर दूं लेकिन इसके साथ हमारे साथ अलग नहीं है इसी का पार्ट है जर्नल बेयरिंग है ओके okay, बात समझ आई तो ये हमारे पास जर्नल बेरिंग आ जाता है ये देखिए एक और ये बंदा देखिए और ये गेयर देखिए साइज उसके अंदर जर्नल बेरिंग है और यहाँ पे हम हाइट मतलब जो इसका लुब्रिकेशन है वो बहुत ज्यादा देते हैं हम बहुत ज्यादा देते हैं लुब्रिकेशन ओके okay, ये जो मैं करवा रहा हूं ये एक पार्ट है मशीन डिजाइन का सब्जेक्ट है उसमें मैं मशीन डिजाइन में बेरिंग का जो आपके पास डिजाइन है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ओके okay, इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर और कोर्सेज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फ्लूड मैकेनिक्स थ्योरी मशीन थर्मोडाइनिक जेई की तैयारी करना चाहते हो ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप का लिंक जो है वो यहां पर मैं दे रहा हूं आपको देखिए लिखा हुआ है जेई की तैयारी करने के लिए डाउनलोड करें ऐप तो ऐप डाउनलोड कीजिए वहाँ पे आइए वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे और आपको अच्छी प्रोफेशन की तरफ लेके जाएंगे ओके थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे